Die Kicker! तुझे जाना होगा, तुझे जाना ही होगा, मन्नखेट जाना होगा, निराल के लिए, मन्नखेट के लिए, उन्हें अंधेरे से निकालने के लिए। ये तेरे उद्देश्य का पहला चरण है, सब कुछ ज्ञात होगा, जाना तो पड़ेगा, अंधे युग समाप्त करना होगा। समय आ गया है, किंतु माँ, ये समाप्त कैसे होगा, कैसे करूंगा मैं? प्रेम में बल होता है, एकता में ताकत। जा और समय व्यर्थ ना कर। बस एक बात और बता दूं मैं, इस सब का गजकेसरी से क्या संबंध है? जा उस लड़की के पास, सब बिखरे हैं, सबको समेटना होगा, जोड़ना होगा, तभी तू ऋण होगा। गजकेसरी का सच भी वही देगी तुझे, उसकी हिफाजत कर। गजकेसरी समर्थ है तुझ तक आने के लिए। जा, देर ना कर। किंतु तो वो अक्षम्य होता है, क्योंकि वो भूल नहीं होती, वो राष्ट्र के नियमों की अवहेलना करना होता है, और जिस कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया हो उसे करना तो राष्ट्रद्रोह होता है। हमारे पिता आप पांचों का सम्मान करते थे, इसीलिए कला पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी हमने आपको यहाँ मान्यखेट में रहने की अनुमति दी और आपसे निवेदन किया कि आप कला का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमारा शास्त्र कहता है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी कला से विहीन है, वो मनुष्य साक्षात पूछ और सींगों से विहीन एक पशु है। हम पशुओं की तरह नहीं रह सकते। जो राज्य हर क्षण विरोधी राज्य के आक्रमण के आतंक में जीता, जहां शत्रु सेना आके आपके परिवार को रक्त रंजित करती हो, वहां कला का पल्लू पकड़कर बैठे रहना कायरता नहीं तो और क्या है? मान्यखेट ऐसी कायरता का समर्थन नहीं करता। नहीं चाहिए हमें ऐसी कला जो मान्यखेट को कमजोर और कायर बनाती हो। कला इस राष्ट्र में राजद्रोह है, और इसका केवल एक ही दंड है, कारावास, आजीवन कारावास। क्षमा राजकुमारी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा, क्षमा राजकुमारी, क्षमा, क्षमा, क्षमा राजकुमारी, क्षमा, क्षमा, क्षमा राजकुमारी। इसका एकमात्र दंड आजीवन कारावास है। ले जाइए इन्हें। मैं आप सबके विचार जानना चाहता हूं। क्या हमारी चुप्पी का अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा पृथ्वी? ये जानते हुए कि मालवा को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम बार बार मान्यखेट जाने का आग्रह क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वहां संकट ही संकट है? तुम्हारे प्राणों पे संकट है पृथ्वी। और क्या एक मां जानबूझकर अपने पुत्र को संकट में धकेल सकती है? नहीं, ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में हम तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते। मां, एक मां होने के नाते मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन आप एक राजमाता भी हैं, और राजमाता होने के नाते आप ये समझ सकती हैं
कि यदि हमें शांति चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो उत्तर और दक्षिण का एक होना आवश्यक है, जिसके लिए मेरा मान्यखेट जाना आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण दक्षिण पर उसका प्रभाव है। मां पृथ्वी भैया, आप जो चाहे तर दे दे, हो सकता है हम आपको वहां जाने से रोक भी ना पाए, परंतु राजमाता के इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि माने की जिस घृणा और प्रतिशोध की आग में तप रहा है विशेश्वर मालवा के प्रति, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बात का प्रभाव पड़ सकता है उन पर। जी भैया, हम भी आपके वहां जाने से सहमत नहीं है। किंतु सावित्री, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने भी तो उचित नहीं, कभी ना कभी तो पहल करनी होगी ना। मानेखेट और मालवा अपनी शत्रुता को भूलकर एक हो जाएं, उत्तर और दक्षिण प्रतिशोध की भावना को छोड़कर आपस में मित्र बन जाएं, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन किस शर्त पर, किन मूल्यों पर, आपके प्राणों की शर्त पर, आपके प्राणों का मूल्य चुकाकर? नहीं, ये हम कतई नहीं होने देंगे। आपके प्राण मालवा और मानेखेट की मित्रता से अधिक मूल्यवान है। यदि आप चाहते हैं तो कुछ समय बाद हम स्वयं मानेखेट को निमंत्रण दे आएंगे, मगर इस तनाव में स्थिति में आपका वहां जाना उचित नहीं है भैया। हाँ चाचा जी, हमारा भी यही निवेदन है, मानेखेट जाने का विचार आप त्याग दीजिए। तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, खतरा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबकी चिंता अनुचित है या आपकी शंका मिथ्या, मैं आप लोगों को केवल परिस्थिति की मांग और उसकी संवेदनशीलता से अवगत कराना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं कि अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी और फिर किसी के जाने या ना जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको, कुछ नहीं होगा, मैं यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करके आऊंगा। विनती है आप सबसे, समझिए मैं क्या कहना और करना चाहता हूं। तुम्हारे तर्क के आगे कुछ समय के बाद हम सब निरुत्तर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। यदि सेना अध्यक्ष कल्लारी तुम्हें जाने की स्वीकृति दे दें, तो हम भी स्वीकृति दे देंगे।